Swami Narayan, 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 Shri Swami Narayan Bhagavan Ki Jai. Shri Akshar Purushottam Maharaj Ki Jai. Shri Avar Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Radha Krishna Deva Ki Jai. Umapati Mahadeva Ki Jai. Ganapati Gajanand Ki Jai. Pramukh Swami Maharaj Ki Jai. Shri Mahan Swami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Swami Narayan ne apne upadesh ke granth vachanamrat mein antya prakan ke 39ve vachanamrat mein bataya hai ki is jeev ne kitne janm liye hain to bataya ki samudra mein जितना पानी है इतना यह जीव अपने माता का स्तनपान किया है तो समुद्र में तो कितना अगाध जल है इतना दूध ये बच्चे बचपन में जीव ने ये अपने माता का स्तनपान किया है तो मैंने अनेक जन्म हमने लिए हैं तो ये अनेक जन्म लेने का कारण क्या हुआ हमारे में वासना आसक्ति ये दृढ़ रहती है और ये वासना के कारण हमें ये जन्म मरण की प्राप्ति होती है और 84 लाख योनि में ये जीव को भटकना पड़ता है और ये योनियों में अनंत प्रकार के दुख को उसको झेलना पड़ता है ये दुख भोगता रहता है भगवान ये देखते हैं कि ये जीव बेचारा अनंत योनि में ये दुख भोगता रहता है इसको इस दुख में से मुक्त करके जन्म मरण से रहित करके अपने धाम में बिठाने के लिए भगवान इस जीव को मनुष्य जन्म देते हैं हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ बहुत दुर्लभ है केवल भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और ये मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है भगवान ने हमें किस लिए ये मनुष्य जन्म दिया कि हमारी मुक्ति हो हमारा कल्याण हो अंतिम जन्म हो इसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म दिया है लेकिन ये जीव ये मनुष्य ये सब अपने ध्येय को भूल जाता है और सारी जिंदगी व्यवहार करता रहता है पंच विषय को भोगता रहता है और इसमें अपना पूरा जीवन पूरा कर देता है तो इसके कारण इसको ये जन्म मरण का चक्र चालू रहता है जैसे कि स्वामी जी कई बार दृष्टांत देते हैं कि एक बड़े शहर में शहर के चारों ओर ऐसा किला था और इसमें एक दरवाज़ा इसमें से बाहर निकलने का था वहाँ उस शहर में एक अंधा था इसने सोचा कि मैं इस शहर में बहुत समय तक रहा हूँ अभी मुझे दूसरे शहर में जाना है तो उस शहर में से बाहर निकलने के लिए दरवाजे से मैं बाहर निकल सकता है तो एक आदमी ने को पूछा इसने कि भाई मुझे दरवाज़ा बताओ तभी उस आदमी ने उसको कहा कि दरवाज़ा थोड़ा दूर है वहाँ तक आने का मुझे समझ नहीं है लेकिन आप ऐसा करो मैं ये आप ये किले को किले की दीवार पर आपको मैं ये स्पर्श कराता हूँ और किले को स्पर्श करते करते आप जाना और जब दरवाज़ा आएगा तो उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे किसी को आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अंधा ऐसे किला का स्पर्श करता करता चलता था जब दरवाज़ा आया तो इसके पैर में चींटी ऐसे ने डंस किया तो उसने अपना हाथ को छोड़ दे के थोड़ा चलते चलते ये अपना पैर को छूने लगा और ये दरवाज़ा का अंतिम जो छिड़ा था इसके पर उसका हाथ था और वहाँ से छूट गया और फिर
ऐसा ढूंढते ढूंढते इसने इसका हाथ दूसरे दरवाजे के दूसरे के अंतिम पर इसका हाथ लगा तो क्या हुआ, ये दरवाजा में से निकल गया और अभी इसको पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये शहर में से निकलने के लिए एकमात्र दरवाजा था और इसको भी इसने जो ये चुक गया तो इसको पूरा चक्र लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जन्म मरण के चक्र में से छूटने के लिए मनुष्य जन्म एक द्वार मात्र है और यदि इसको भी हमने गंवा दिया तो हमें पूरा चक्र लगाना पड़ेगा। तो जो बुद्धिशाली रहता है, जो सोचता है कि हमें ये पूरा दुख झेलना नहीं है, सहन नहीं करना है और इसको इसमें से मुक्ति पानी है, तो हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। श्री दगड़ूशेठ ने 125 साल के पहले सर्वजीव हिताव ऐसा कार्य जो गणपति जी का स्थापन किया और ये स्थापना के बाद भी ये जो संस्था के द्वारा विविध प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ चलती हैं और लोगों को ऐसा सहाय दी जाती है, अनेक प्रकार की सहाय होने के कारण समाज की भी अच्छी सेवा भी होती है और ये जो कार्यकर हैं ये सब भी अच्छी तरह से अपना समय और भोग देके कार्य कर रहे हैं। तो भगवान स्वामीनारायण से, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से प्रार्थना करें कि सबको भगवान ऐसी शक्ति दे, अच्छा कार्य होता रहे, इसमें सफलता मिले और ये 125 साल के निमित्त जो जो मैंने सब प्रसंग किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए, ये सब कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल रहे और किसी प्रकार का इसमें कोई बाधा ना रहे और निर्विघ्नतया ये कार्य संपन्न हो और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो और सब सुखी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। ये 125 साल के उत्सव के निमित्त सब लोगों ने जो जो भी प्रयत्न किया है तो इसके बारे में हमें बहुत आनंद हुआ और सबको बधाई है, सबको अभिनंदन है और ऐसा कार्य उन्हों के जीवन में सतत होता रहे और समाज को इससे लाभ मिले और सबको भगवान तन मन धन से सुखी करे और अंतर में शांति रहे, ऐसी प्रार्थना।